शख्स की आंखों में हुआ दर्द पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर को दिखे 20 जिंदा कीड़े। चीन के एक डॉक्टर ने एक शख्स की आंख से 20 जीवित कीड़े निकाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्षीय मरीज की पहचान उसके उपनाम वान से हुई। उनकी आंखों में जब पहली बार परेशानी हुई तो उनको लगा कि यह थकान की वजह से हो रही होगी और फिर उस पर विचार नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन उनकी आंखों में दर्द बढ़ता गया। जब उनकी आंखों में बहुत ही दर्द होने लगा तब वो सुजो शहर के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। खलीज टाइम के अनुसार सुजो अस्पताल के डॉक्टरों ने एक संपूर्ण चिकित्सीय परीक्षण किया और उसकी दाहिनी पलक के नीचे कम से कम 20 जीवित कीड़े पाए गए हैं। डॉक्टर शी टिंग ने कीड़े को हटाने के लिए एक चिकित्सा प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने कीड़े को नेमाटोड के रूप में पहचाना और उनमें से कम 20 कीड़ों को हटाया गया है। डॉक्टर शी टिंग के अनुसार नेमाटोड एक आम परजीवी है। यह बीमारी कुत्ते और बिल्लियों में पाई जाती है। उन्हें लार्वा से कीड़ों में विकसित होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वान की पलक के नीचे कीड़े कैसे पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों से कहा कि उनके पास कोई पालतू जानवर नहीं है और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि बाहर काम करने से उनको ऐसा हो सकता है।